सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से टुडे चैनल में स्वागत है। आज बाजार में सुबह से काफी तेजी देखने को मिल रही है। कल की तेजी आज बाजार में रुकी हुई है। ज्यादा तेजी पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। आज बजट के दिन हमें कहाँ निवेश करें जहाँ बजट के बाद भी तेजी रुकी रहेगी। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आया जाएगा। आज का स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो समवर्धन मदरसन इंटरनेशनल आज ओपन हुआ 114 रुपए 20 पैसे, स्टॉक ने हाई लगाया 116 रुपए 30 पैसे का। भी स्टॉक अपने हाई से लगभग 1 रुपए की करेक्शन दिखा चुका है और स्टॉक में लगभग 1.5% के अपसाइड मूव आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक में वॉल्यूम की बात करें, बायर्स को एंट्री तो लगभग 18,36,038 क्वेर एंट्री है, तो वहीं पर सेलर्स की क्वेर एंट्री देखें तो बायर्स के मुकाबले लगभग 3x34,76,273 क्वेर एंट्री देखने को मिल रही है। और वहीं पर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 1,54,76,322 क्वेर एंट्री है। तो बायर्स देखें तो इस स्टॉक में कम है, सेलर्स ज्यादा है और लिक्विडिटी काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक में होते हुए नजर आ रही है, जिसका सीधा फर्क पड़ता है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक के वॉल्यूम में भी तेजी है और स्टॉक के प्राइस में भी रैली देखने को मिल रही है। दोनों चीज में जब भी स्टॉक में ऐसा होता है तो स्टॉक के प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक ने 4.5% के रिटर्न बना दिए हैं, तो वही 1 महीने में 12.5%, 3 महीने में 25%, 6 महीने में 17% और 1 साल के अंदर 52% से भी ऊपर के अपसाइड मूव बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक के ऊपरी लेवल पर। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया 102 रुपीज का। 102 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया और कहीं से स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया 170 रुपीज का। 170 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक का नीचे का एक सपोर्ट लेवल है 110 रुपीज। 110 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल बना और यहीं से स्टॉक में एक बड़ा अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में वॉल्यूम एवरेज देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा आज के दिन स्टॉक में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 110 रुपए की एक बड़ी स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 150 रुपए के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।